पीपल्स पार्टी, जनता अधिकार पार्टी, गठबंधन भागीदारी संकल्प मोर्चा की विशाल महारैली होगी। मुख्य अतिथि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब 2 मार्च को मुबारकपुर में स्पोर्ट ग्राउंड में तशरीफ ला रहे हैं। 3 मार्च को मुबारकपुर में शाह मोहम्मदपुर बाबुल इल्म मदरसा के ग्राउंड में शाम 6 बजे तशरीफ ला रहे हैं। कस्बा जहानागंज मदरसा अनवारुल उलूम के मैदान में बाद नमाज़े जुमा 2 बजे विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत, मैं हूं आपके साथ अंजलि। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। आजमगढ़ में एक तरफ जहां सपा के पक्ष में ओम प्रकाश राजभर ने हुंकार भरी, तो बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी अपनी हुंकार भरी। मुबारकपुर विधानसभा में दोनों राष्ट्रीय अध्यक्ष के आगमन से सियासी पारा गर्म हो गया। मुबारकपुर विधानसभा के सपा प्रत्याशी अखिलेश यादव के लिए वोट की अपील करते हुए सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने सपा को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश की जनता डबल इंजन की सरकार से त्रस्त हो चुकी है और इस बार अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने से कोई रोक नहीं सकता। उन्होंने कहा कि इस सरकार में किसान, व्यापारी, युवा, मजदूर सभी लोग त्रस्त हैं। महंगाई आसमान छू रही है। लाल साड़ से किसान की फसल बर्बाद हो गई है। जनता इनका जवाब इसी चुनाव में दे दिया है। आने वाला 10 तारीख को फैसला हो जाएगा। उन्होंने कहा कि जैसे ही सपा की सरकार बनेगी वैसे ही पेंशन 1500 रुपया, किसानों की बिल माफ, युवाओं को रोजगार, सरकारी भर्तियां शुरू हो जाएंगी, पुलिस की भर्तियां जो खत्म हो गई थी उसे निकालेंगे और पुलिस में भर्ती हो जाएगी। उन्होंने सुभाषपा व सपा कार्यकर्ताओं से कहा कि कार्यकर्ता घर से निकलकर गांव चक्रों में पहुंचकर ये सब सारी बातें बताएं। वैसे ही इस बार भाजपा का सफाया हो चुका है। इस कड़ी में मौजूद रहे ऋषि राज यादव, हाजी पल्लू बिलाल, अमिलो जिया उल्ला अंसारी, तमाम लोग उपस्थित रहे। संवाददाता सरफुद्दीन आजमी की रिपोर्ट। 10 साल की सजा आपने बहुत दे दिया। इस बार पूरे प्रदेश के अंदर गरीबों, किसानों, मजदूरों की सरकार बनने जा रही है, बुनकर भाइयों की सरकार बनने जा रही है। मैं सिर्फ आपसे हाथ जोड़ करके अपील करना चाहता हूं कि हमारे साथियों की गलतियों को माफ कर देना, हमारी भूल चूक को माफ कर देना, कितना अच्छा रहेगा, कितना बढ़िया रहेगा कि आने वाली 10 तारीख की गिनती के बाद जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और गठबंधन के साथियों की सरकार बनेगी और उस सरकार मुख्य अतिथि के रूप में पधारे सुहैल देव समाज के गौरव और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, सभी गठबंधन पार्टी के जिले के पदाधिकारीगण, समाजवादी पार्टी के सम्मानित पदाधिकारीगण, गायक कलाकार साथी और सामने बैठे इस चुनाव को ऐतिहासिक बनाने आए कोने कोने से छप के आए हमारे पिता तुल बुजुर्गो, नौजवान दोस्तों, प्यारे बच्चों, साथियों, ये चुनाव और पिछले चुनाव में जिसमें चुनाव चिन्ह इतना जो कमरे बनारस में मनकनिका का मुर्दा बोला भाई से बोला हम बोले तो इतना बोला हम बोलेंगे हमारी बटन कहाँ दबेगी मैं बोले थे हमारी बटन कहाँ दबेगी हमारी बटन कहाँ दबेगी हमारी बटन कहाँ दबेगी केकरे केकरे हाथे में या केकरे केकरे घरे मोबाइल है हाथ उठावा सब लोग अपने अपने मोबाइल से जहाँ जहाँ साइकिल लड़त हो वहाँ साइकिल के बतावा, जहाँ छड़ी लड़त हो वहाँ छड़ी के बतावा। हैंड पंप वाला तो चुनाव हो गया बा, ये दुनिया बचल बा छड़िए साइकिल लिया। और ये छड़ी कानून का डंडा है, ये ना सीधे हो यही से सीधा करा है ना। मन बना चुका हूँ, आपको साथी आश्वस्त करता हूँ, ये सोच लेना माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनने भरत
पांचवें चरण तक जीत चुके हैं। इधर तो बोनस में रही हमारे का, ये बोनस में रहा। और बनारस हम तो रही ला बलिया, लेकिन घर हो बनारस। बनारस में चप्पल यही चिंगुर गया। जब टीवी पर आई तब इन्हें समझ में आई हमने थे ना। तो साथी हम लोगों को जो है थोड़ा प्रॉब्लम है, हमारे हेलीकॉप्टर बाबतपुर एयरपोर्ट पर हम लोगों का हेलीकॉप्टर ठहरने की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, और हेलीकॉप्टर को हम लोगों को समय से छोड़ना है। अब हेलीकॉप्टर में जो मजा था वो तो सड़क पे भाई नहीं, हम अनुचाता के हेलीकॉप्टर चल ले जाए छोड़ के। तो यही बात है, हम लोग देखा एक आगाह करे थे बहुजन समाज पार्टी ई भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए लड़ रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए लड़ रहे हैं। इस नाते कह रहा हूं कि अमित शाह के कमरे में, अमित शाह के कमरे में इधर भी करा दे तो परवाह मत करना, लेकिन जो आंदोलन जो लड़ाई हम लोगों ने मिलकर के आगे बढ़ाया है, इसको रुकने मत देना, इसको आगे बढ़ाते रहना, इसको आगे बढ़ाते रहना। अब आपको चुनौती देता हूं भारतीय जनता पार्टी के लोगों, 2022 तो फाइनल है माननीय अखिलेश यादव जी। 10 मार्च को 10 बजे गाना बजेगा, नया गाना अमिताभ बच्चन वाला, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या, ये गाना बजेगा। ये हमारे माननीय अखिलेश यादव जी, इनको साइकिल अवार्ड देने के लिए कितने लोग प्रचार करोगे जरा हाथ उठाओ। आप देखो यहाँ आप लोगों को बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, खाली चट्टी चट्टी खाली बता दीजिए मैसेज, चुनाव तो हम लोग जीत रहे, 100 सीट जीतेंगे, चाहे मायावती जी आ जाए चाहे मोदी आ जाए, किसी की औकात नहीं है आजमगढ़ में 100 सीट जीतेंगे। इसी बात के साथ साथ ही आगे मुझे जाना है, हम अपनी बारी को विराम देता हूं। जय भीम, जय भारत, जय सुहेलदेव, खुदा हाफिज, जय समाजवाद। चुनाव में बड़ा अहम मुद्दा है ललका सांड पियरका सांड, लेकिन कहीं भ्रष्टाचार और कहीं मैं इस तरह की भ्रष्टाचार घोटाले की बात नहीं आ रही है। देखिए हम लोग जो चाहते हैं जातिवार जनगणना चाहते हैं, हम लोग जो चाहते हैं प्रदेश में एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा चाहते हैं, हम 300 यूनिट बिजली उत्तर प्रदेश को फ्री देने की बात कर रहे हैं, हम प्रदेश में गरीबों का इलाज फ्री करने की बात कर रहे हैं। तो इन सब मुद्दों को लेकर के जनता हम लोगों के साथ खड़ी। तो आप ये बताइए बनारस में आपके साथ जो विवाद हुआ, आपने मन से भी कहा कि हम तो 10 तारीख का इंतजार कर रहे हैं, 10 तारीख की बात क्या, 10 को सरकार बनाएंगे, इसके बाद उनसे बदला लेंगे? नहीं, बदला की बात नहीं। देखिए जाको राखे साइयां मार सके न कोई, बाल न बाका कर सके बैरी जट सारा। तो जब करोड़ों गरीबों की दुआएं हैं, ऊपर वाले का आशीर्वाद है, जिस लड़ाई को हम लड़ रहे हैं, उस लड़ाई को हम जिस तरह उन लोगों ने मेरे साथ उससे निजात पाने के लिए हम लोग सरकार बना करके, जो इनके गुंडे हैं उन गुंडों को हम या तो जेल में या तो जेल प्रदेश से बाहर भेजें। इस बार के चुनाव में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर पर क्या कहना है आपका? अच्छा, कोई उसमें मुद्दे नहीं है? नहीं, कोई मुद्दा नहीं, मुद्दा है रोटी कपड़ा मकान शिक्षा का, मुद्दा है बिजली बिल माफी, मुद्दा है एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा का, मुद्दा है जातिवार जनगणना का, ये जनता की दिमाग की बात करें। ओके।